स्कूटर भारत में जल्द होगा लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, बता दें एलएमएल इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे भारत में लॉन्च करने जा रहा है। जैसे कि पता होगा दोस्तों, पहले एलएमएल यहाँ पे पेट्रोल स्कूटर आता था, लेकिन यहाँ पे उसी का कन्वर्जन करके आप इलेक्ट्रिक स्कूटर आने जा रहा है। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं, कब तक लॉन्च होगा, कितना प्राइस होगा और आप कैसे खरीद सकते हैं, सब कुछ डिटेल बात करेंगे। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आइए बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलएमएल इलेक्ट्रिक स्कूटर की, जो है कि सीरा इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसके साथ कंपनी अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एलएमएल जो है वो सीरा कंपनी के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रिक स्कूटर ला रही है, क्योंकि एलएमएल जो है पेट्रोल स्कूटर बनाती थी। आइए इसकी कुछ खास बातें हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। तो खास बात है दोस्तों, एलएमएल कंपनी जो है सीरा इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी करेगी इस्तेमाल। वहीं बात करें तो सीरा इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ यहां पे एलएमएल की भागीदारी जी है, तो एलएमएल की स्थापना 1979 में की गई थी। जी हां दोस्तों, बता दें 1979 में एलएमएल कंपनी की यहां पे स्थापना की गई थी। एलएमएल का स्कूटर देख लीजिए, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में, काफ़ी झकास लग रहा है, देख सकते हैं। आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। बात करते हैं दोस्तों, एलएमएल की भारतीय टू व्हीलर मार्केट में जल्द वापसी हो सकती है। एलएमएल इलेक्ट्रिक ने सीरा ऑटो के साथ यहां पे पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस भागीदारी के साथ कंपनी अपना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में लाने की तैयारी कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में जल्द ही एलएमएल इलेक्ट्रिक स्कूटर भी देखने को मिल सकता है। सीरा इलेक्ट्रिक ऑटो पहले भारत में हार्ली डेविडसन के प्रोडक्ट बनाती थी, लेकिन इस प्लांट में हरियाणा के बावल में जो लगभग 217,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है, वहीं इस प्लांट की क्षमता हर महीने 18,000 यूनिट बनाने की है। एलएमएल सीरा इलेक्ट्रिक के पहले मौजूद मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जी हां दोस्तों, बता दें एलएमएल जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आएगा दोस्तों, महीने में एक महीने में 18,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए जाएंगे, तो आप सभी लोगों का यहाँ पर सपना पूरा होगा जल्द से जल्द एलएमएल इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का। आगे बात करते हैं तो एलएमएल भारत की टू व्हीलर इंडस्ट्रीज में पहले जाना माना नाम था। इलेक्ट्रिक स्कूटर के जरिए कंपनी फिर से इंडियन मार्केट में वापसी करने की तैयारी कर रही है। सीरा इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ पार्टनरशिप से पता चला है कि कंपनी ओला और एथर जैसी कंपनियों को टक्कर देगी और ईवी उतारने का मन बना चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें जब एलएमएल इलेक्ट्रिक स्कूटर आ जाएगा तो ओला और एथर कंपनी यहाँ पर कोई भी परचेज नहीं करेगा, चूँकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर एलएमएल स्कूटर पर लोग भरोसा करते हैं। वहीं बात करें तो कंपनी इस भागीदारी के जरिए 2025 तक पूरी तरह से मेड इन इंडिया कंपनी बनाने का लक्ष्य कर रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें 2025 तक पूरा कंपनी जो है मेड इन इंडिया हो जाएगा, यानी जितना भी इनका गाड़ी बनेगा सारा इंडिया में बनेगा। आगे बात करते हैं तो एलएमएल के सीईओ योगेश भाटिया ने प्रेस को दिए एक बयान में कहा है कि हम व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्ट भी करेंगे, ज़रूरत पड़े तो कम करने की कोशिश करेंगे। वहीं बात करें दोस्तों तो भारत समेत दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल समय की मांग और इसके लिए मजबूत बुनियादी ढांचे की ज़रूरत होगी। हम आप इस पर काम कर रहे हैं और सीरा इलेक्ट्रिक ऑटो के साथ हमारी भागीदारी देश में ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए आयाम स्थापित करेगी और भारत में मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करेगी। जी हाँ, भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में दिन प्रतिदिन अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। देश में पहले से मौजूद कई दिग्गज कंपनियों के साथ नए खिलाड़ी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में उतर चुके हैं। ऐसे में एलएमएल का ईवी क्षेत्र में कदम रखना है कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इस सेगमेंट में ओला और एथर जैसी कंपनियां पहले से ही किफ़ायती इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च कर चुकी है। अब देखना होगा दोस्तों एलएमएल ऐसी कौन सी रणनीति अपनाती है जिसे मार्केट में पहले ही स्थापित कंपनियों की सेगमेंट को पछाड़ भी पाती है या नहीं। एलएमएल की स्थापना 1979 में की गई थी। पुराने समय में यह कंपनी भारत में विशेष पहचान रखती थी। जी हाँ दोस्तों, बता दें पहले यहाँ पे एलएमएल स्कूटर काफ़ी ज़्यादा बिकता था, सबसे ज़्यादा बिकता था एलएमएल स्कूटर दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कंपनी पूरी तरह से फिर एक बार वापसी कर रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। हर महीने 18,000 इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगी, तो आप सभी लोग जितने भी लोग परचेज करना चाहते हैं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उम्मीद है दोस्तों फरवरी से मार्च तक यहाँ पर भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा, जैसे ही लॉन्च होगा हम आपको बता देंगे। फिलहाल कमेंट में आप एलएमएल इलेक्ट्रिक स्कूटर जरूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।